बहुत ही अच्छा बॉलिंग अनुशा को पटका रहे हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग का नजारा पेश कर रही है। आज कौन कौन सी टीम के बीच मुकाबला चल रहा है और क्या लगता है कौन सी टीम इसमें जीतने वाली है? आज ये अंडर 13 का फाइनल मैच है जिसमें आरएस क्रिकेट एकेडमी और एनसीआर की टीमें खेल रही हैं। और जीतने की बात कहें तो क्रिकेट है, गेम है, इसका तो एंड में ही रिजल्ट पता चलेगा। जो टीम अच्छा खेलेगी वो विनर हो जाएगी। कितने बच्चे आपके अकेडमी से निकल कर आज मुकाम पर पहुँच रहे हैं, इस बारे में बताएं। मेरी अकेडमी से अभी करंट में अंडर 19 इंडिया है, विवेक कुमार है, और एक मेरे जूनियर है अरसमल खान, वो भी रणजी ट्रॉफी खेल रहा है चंडीगढ़ से। बाकी कुछ जूनियर बच्चे हैं जो 14 और 16 स्टेट खेल रहे हैं। लगातार आप बच्चों को क्रिकेट अकेडमी में क्रिकेट सिखा रहे हैं, कितना जुनून आपको देखने को मिल रहा है बच्चों का? देखिए, बच्चों में एक्चुअली टैलेंट तो बहुत है गेम के अकॉर्डिंग, और हम उन पर काफ़ी काम कर रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने है। आगे क्या लगता है बच्चे यहाँ से फाइनल के मुकाबले के बाद कहाँ जाने की उम्मीद समझ रहे हैं बच्चों की? देखिए, वैसे अब सीजन शुरू हो गया बीसीसीआई का, तो अंडर 14 16 में इनको आगे अकेडमी के द्वारा भेजा जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि अपना गुरु और पेरेंट्स का नाम। मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे युवा बच्चों को? मीडिया के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि आप लाइफ में कुछ भी करें, चाहे वो गेम हो या कोई भी पार्ट हो, डेडिकेशन जरूर रखें। आने वाले बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, आने वाले बच्चों में मैं ये कहूँगा कि अगर उनमें टैलेंट है तो वो अपना टैलेंट जरूर दिखाएं और निरंतर मेहनत करें, तो जो भी उनका गोल है वो जरूर कामयाब होगा। थैंक यू। क्या कहेंगे आप? भाई सब, ये रवि भाई ने, हमारे गांव से रवि भाई जिनकी आरएस एकेडमी है, तो आज इन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने पर निमंत्रण दिया, इनका बहुत बहुत तहे दिल से पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने भी हमारे अंडर 19 जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनके मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि ये आने वाले समय में जितने भी हमारे ये बच्चे हैं ये सारे इंडिया टीम के लिए खेलें और आगे इनका भविष्य उज्ज्वल हो। नीरज भाई, आप एक भाजपा नेता भी हैं, जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, हरियाणा सरकार लगातार खेलों के प्रति जागरूक कर रही है, लोगों को बढ़ावा भी दे रही है, आप इन छोटे बच्चों के लिए सरकार से किस तरह प्रेरित करना चाहेंगे? देखिए, सरकार, अगर मैं भाजपा सरकार की बात करूं, तो जब से हरियाणा में और हमारे राष्ट्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से खेलो इंडिया बहुत से कार्यक्रम ऐसे भाजपा और हमारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, और खिलाड़ियों के लिए बहुत ही, आप देखते होंगे जैसे अभी हरियाणा सरकार ने जो पिछले ओलंपिक में जितने भी मेडल्स आए थे उनको सम्मानित किया, कॉमनवेल्थ, अब जितने भी अभी कॉमनवेल्थ में जितने भी खिलाड़ी आए हैं उनको सम्मानित किया, उनको उनका जायज जो इनाम है वो भी दिया, और इसी प्रकार से हमारी सरकार हमारे प्लेयरों को बढ़ावा देती है और आगे बढ़ने के लिए उनको आर्थिक मदद भी करती है। धन्यवाद। ठीक है।